नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं। अवधेश सिसोदिया जी मौजूद हैं, ओंकार पटेल जी मौजूद हैं, अयूब लाला जी मौजूद हैं और साथ में और भी कई कांग्रेस से जुड़े लोग मौजूद हैं। आज हमारा कांग्रेस के सभी नेताओं से एक सवाल है कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रादेशिक स्तर के जो बड़े नेता पार्टी को छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, तो इसके ऊपर इनका क्या कहना है और यदि यही सिलसिला आगे जारी रहा तो आने वाले समय में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, यह हमारा सभी कांग्रेस नेताओं से सवाल है। सबसे सिलसिलेवार सभी लोगों से उनकी बात जानेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है, क्या कहेंगे आप? जी, आपने जो कहा जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जी में कोई मन से नहीं जा रहा है जी। अगर कोई जा भी रहे हैं, चाहे कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस के अलावा भी अन्य दल के लोग जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं उनके ऊपर एक जो सरकारी एजेंसी है, चाहे ईडी हो, आईबी हो, सीबीआई हो, उनका सबका इनकम टैक्स हो, उनका सबका कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से दबाव डाल के उनके ऊपर दबाव डालकर प्रेशराइज करके उनको वहां लिया जा रहा है। कुछ तो घबराहट में जा रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे अभी मध्य प्रदेश में पचौरी जी का है और इंदौर के कुछ तमाम नेता का है, उनके पीछे कारण यही दिख रहा है जो मीडिया में आ रहा है कि 140 करोड़ रुपए की रिकवरी संजय शुक्ला जी के ऊपर खदान की निकाल दी। ऐसे कई लोग हैं, कई उदाहरण हैं जिनको मजबूर किया जा रहा है, वो मन से नहीं जा रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशराइज करके उनको वहां लिया जा रहा है। लेकिन इस मामले में खंडवा जिले में, जहां तक मेरी जानकारी, हमारे अध्यक्ष जी भी पूर्व अध्यक्ष खड़े हैं, यहाँ खंडवा में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भारतीय जनता पार्टी को दिल से कोई ज्वाइन करना चाहेगा, ऐसे तो कोई संभावना यहाँ है भी नहीं, कोई जाएगा भी नहीं। अवधेश सिसोदिया जी का कहना है कि भाई इनके जो कांग्रेस कार्यकर्ता और इनकी पार्टी से जुड़े जो नेता हैं, इन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि खंडवा जिले से कोई कांग्रेस का नेता पार्टी छोड़ के जाएगा। हमारे साथ ओंकार पटेल जी हैं, सर आपका स्वागत है, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल अवधेश भाई ने जो बोला वो सत्य है कि कुछ लोग दबाव में या अपने मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के चक्कर में मतलब जा रहे हैं, पर कार्यकर्ता नहीं कहीं जाएंगे। कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि इन्हीं कार्यकर्ताओं में से नेता पैदा करके हम बीजेपी से लड़ाई लड़ेंगे और डंके की चोट पर लड़ेंगे। ओंकार पटेल जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, अरुण यादव जी के काफी करीबी माने जाते हैं, इनका ये कहना है कि जो जाने वाले हैं वो चले जाएंगे लेकिन इनके जो कार्यकर्ता बचेंगे उन्हीं में से ये लोग अपने नेता बना लेंगे। हमारे साथ अयूब लाला जी, हम उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है अयूब भाई, क्या कहेंगे? ये तो पतझड़ है जी, जब पुराने पत्ते गिरते हैं तो नई कोपले भी आती है जी। इसी तरह कांग्रेस के लोग हैं, हम तो बहुत मजबूत है कार्यकर्ता जी। कांग्रेस के जो बड़े लीडर जो जा रहे हैं वो अपनी प्रतिष्ठा को और अपने मान सम्मान के हिसाब में उधर जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको डर है कि कहीं हमारे पर ईडी का या सीपीआई का छापा ना गिर जाए। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और मजबूत रहेंगे। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।